डॉक्टर साहब बोलते हैं उसके पप्स में पानी है, उधर इलाज नहीं होगा सर। इधर आए बस 2 महीने बाद डॉक्टर साहब पास हम बता दिए सर, पूरा क्लीन आराम हो गए। तो पाँव पूरा मोटा होता था सर, मुंह भी मोटा होता था और ज़्यादा दम आता था सर, बाथरूम की तरह प्रॉब्लम बहुत होता सर। दिस यंग गर्ल हु केम फ्रॉम नेबरिंग विलेज ऑफ सोलापुर फ्रॉम कर्नाटका वॉज डायग्नोज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम विथ प्लूरसी। So nephrotic syndrome is not a disease in itself, but has damaged the kidneys leading to loss of protein, leading to various other problems like proteinuria, swelling of the face and pleural effusion. This girl, without any help of the steroids, came out drastically of the acutes, including pleural effusion, swelling, but her proteinuria remained to be high for some period of time. And now she is responding well to proteinuria also. वो मेरी बच्ची थी और उसको सूजा नहीं थी चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर। फिर सोनोग्राफ यो करे तो पेशाब में दोष था, तो फिर यहाँ आए इनके पास। इनके पास आने से उन्होंने दवा गोलियाँ जो भी दिए वो खिलाए। दूसरे दिन से कम ही थोड़ी थोड़ी मुंह की सूजन उतरी, हाथ की उतरी, पैर की, ऐसा एक हफ्ते में पूरा उसका कम हुआ। दिस स्कूल गोइंग गर्ल हु वाज डायग्नोज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम केम इमीडिएटली टू होम्योपैथी एंड यू कुड सी दैट इन फर्स्ट वीक इटसेल्फ शी रिस्पोंडेड सो वेल दैट हर प्रोटीनुरिया वाज टोटली लेस। शी वाज एडवाइज्ड various tests for it without doing all those, without having any help of steroids. In 1 month she was totally cured and till today she is totally better. So homeopathy says that if you can approach homeopaths early in acute or chronic illness, we can do much more better than once they are dependent on any medication. कारण होमिओपथीचे एकतर कॉस्टली पण नाही आहेत ट्रीटमेंट आणि दुसरी गोष्ट त्वरित रिझल्ट मिळतात। असे बरेच पेशंट माझ्या अनुभवात आलेले आहेत की त्यांना होमिओपथीमुळेच गुण आलेले आहे। डॉक्टर अगरवाल इज बेस्ट डॉक्टर, कारण त्यांचं डायग्नोस इतकं परफेक्ट आहे की तिथं आल्यावर पेशंटचं दुखणं निम्मं तिथंच कमी होतं।